अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सैरी शकी एंड आई एम लेक्चरर इन गवर्नमेंट कराची कॉलेज फॉर वुमेन शान बीबी रोड एंड माय सब्जेक्ट इज़ फिजिक्स। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करना चाहती हूँ वो रिलेट करता है क्लास सेकेंड ईयर के साथ, और मेरा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जैसे कि हमें नाम से ही पता है कि ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रॉन्स का और स्टैटिक कंडीशन का। इलेक्ट्रॉन्स अगर स्टैटिक कंडीशन में हो तो उनको हमें स्टेडी करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी कोई भी जो चीज़ है वो एटम से मिलकर बनती है, तो सेंटर में उसके हमारे पास न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से हमारी बॉडी खुद को चार्ज कर लेती है। चार्ज की दो किस्म के होते हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। अगर किसी जगह पे एक चार्ज मौजूद है तो वो अपने इर्द गिर्द एक खास किस्म की फोर्स एग्जर्ट करेगा, एक खास किस्म की फील्ड क्रिएट कर लेगा जो कि दूसरा आने वाला लाजमी महसूस करेगा। और अगर किसी जगह पे एक से ज़्यादा चार्जेस मौजूद हैं और वो एक दूसरे के ऊपर एक खास फोर्स लगा रहे हैं, एक खास किस्म की फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, तो यकीनन उसको समझने के लिए हमें किसी किस्म के लॉ की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस चैप्टर के अंदर जो हमारे पास सबसे पहला लॉ आता है वो कहलाता है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के इंट्रोडक्शन की जब बात की जाए तो 1784 के अंदर एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे चार्ल्स ऑगस्टन डी कूलम, जिन्होंने मेजरमेंट किया था इलेक्ट्रिक फोर्सेस को बिटवीन स्मॉल चार्जेस स्फीयर, और इस पर्पस के लिए जो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज़ किया था वो था टोरिजन बैलेंस। यहाँ जो बात हो रही है वो हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए जिस फोर्सेस को हम डिस्कस कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं, और उनके विरुद्ध जो फील्ड क्रिएट हो रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चार्ल्स ऑगस्टन डी कूलम ने जो अपना लॉ पेश किया था उसमें हमारे पास ये है कि आपके पास दो चार्जेस मौजूद हों, उन चार्जेस को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, आपने एक को कहा Q1, एक को कहा Q2, और वो एक ख़ास फासले पे मौजूद हैं। उस फासले को हम शो करते हैं स्मॉल r से। जब हमसे कहा जाए कि हम इसको स्टेटमेंटली अपनी बात पे कहें तो हम कहते हैं कि फोर्सेस जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं इनके प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम से। जैसा कि पिक्चर में शो है कि एक को कह दिया हमने Q1, एक को कह दिया हमने Q2, और उनको एक खास फासले पे हमने शो कर दिया। अब ये जो सामने लिखा हुआ है ये हमारी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि फिजिक्स को हम जब एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो हम ज़्यादातर मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं। अब जब हमने अपनी स्टेटमेंट को वर्डिंग के अंदर लिखा तो हमने लिखा कि फोर्सेस जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं Q1 और Q2 से। Q1 और Q2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका मतलब ये एक प्रोडक्ट है। जितना ज़्यादा इनका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करते रहेंगे, और F जो है वो प्रोपोर्शनली है उनके डिस्टेंस से, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस से। तो जितना कम इनके बीच में फासला होता जाएगा उतनी ज़्यादा ये फोर्स स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, लेकिन ये ऐसा ना हो कि ये फासला बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब हमने देखा कि दोनों के लेफ्ट साइड पे F है तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके लिख दिया, और हम जानते हैं कि जब हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट आता है, और ये जो कॉन्स्टेंट आया वो K आया। K क्या है हमारे पास? कूलम कॉन्स्टेंट। K को आप कूलम कॉन्स्टेंट कहो, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहो, ये डिपेंड किस पे करता है? नेचर ऑफ द मीडियम पे, कि दो चार्जेस किस मीडियम के अंदर लाए कर रहे हैं। जब K की वैल्यू पुट की जाए तो वो बनती है 1/4πε0। 4 एक कांस्टेंट फैक्टर हो गया, पाई की वैल्यू हम सबको पता होती है 3.142, एप्सिलॉन हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को, स्पेस कहें या वैक्यूम कहें। वैक्यूम एक ऐसी जगह है जहाँ से हवा को भी सक करके निकाल लिया गया,
फ्री स्पेस में या स्पेस के अंदर एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, 8.85 एक्सपोनेंट माइनस 12। अगर कोई दूसरा मीडियम मौजूद है तो फिर उस फैक्टर की परमिटिविटी भी एडअप की जाएगी। इस टॉपिक में हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो चीज़ हमारे लिए अहम है वो है इसके न्यूमेरिकल फॉर्मूला। इसके अंदर यही यूज़ होगा जो हमने स्टेटमेंट के अंदर बता दिया है। अब आप सबसे पहले बुक खोलें, शॉर्ट एग्जांपल देखें 12.1 के नाम से, फिर आपको पता चलेगा कि हमारे पास पेपर में भी क्वेश्चन काफ़ी हद तक इसी तरीके से आते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है कि दो चार्जेस हैं जिनका हमें मैग्नीट्यूड पता है, एक बी है एक सी है, उनके बीच में आके ए बैठ गया। तो सबसे पहले जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास डायग्राम शो की गई है, हमें ये देखना चाहिए कि इसमें एक एक्सिस की बात हो रही है। अब चूंकि ए बीच में आके बैठा है उसका मैग्नीट्यूड भी बताया गया है, उससे ये भी बताया गया है कि ए का बी से कितना फासला है, ए का सी से कितना फासला है। लेकिन ए बीच में आके बैठा है तो वो फोर्स दो किस्म की महसूस करेगा, जो बी भी उसके ऊपर लगा रहा है, जो सी भी उसके ऊपर लगा रहा है। हमें मैग्नीट्यूड के साथ चार्जेस भी बताए जाते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अगर पॉजिटिव चार्ज की बात होती है तो फोर्स ऑफ फील्ड जो होती है यानी फील्ड की जो डायरेक्शन होती है उसमें बाहर की तरफ लग रही होती है, और नेगेटिव में अंदर की तरफ लग रही होती है। तो इन दी एंड हमें सेट करना पड़ेगा कि ए जो महसूस कर रहा है वो उन दोनों का समअप होगा या उन दोनों का डिफरेंस होगा। सबसे पहले आपने कूलम्स लॉ का फॉर्मूला लगाया कि वो फोर्स जो बी ए के ऊपर लगा रहा है, आप उसको एफ वन भी नाम दे सकते हो, आप उसको कुछ और भी दे सकते हो। आपने के की वैल्यू पुट करी, आपने क्यू वन पुट करा, क्यू टू पुट करा, आर इस डिस्टेंस उनके बीच का पुट किया, आपके पास एक फोर्स आ गया। फिर आपने जो सी ए के ऊपर लगा रहा है आपने उसका फॉर्मूला लगाया, आपने लिखा एफ टू इजिकल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, आपने उसकी वैल्यूज पुट करी, आपके पास आंसर आ गया। आपने ये देखा कि इन दी एंड हमने उसको किया है प्लस, क्योंकि एक फोर्स लग रही होगी पॉजिटिव की तरफ से, एक लग रही होगी नेगेटिव की तरफ से। तो इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन चूँकि सेम हो गई है इसलिए हमने उसको कर दिया प्लस। दूसरी एग्जांपल जो हमें दी गई है 12.2 के नाम से, उसमें हमें कहा गया है कि आपके पास एक इक्विलेट्रियल ट्राइंगल। इक्विलेट्रियल हमें ऐसे ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी तीनों साइड सेम हो। डिस्टेंस उन्होंने हमें बता दिया है 10 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कि एसआई यूनिट के अंदर हम सेंटीमीटर यूज़ नहीं करते, तो इसको हम लाजमी कन्वर्ट करेंगे। 10 को जब हम डिवाइड करेंगे 100 से तो वो सेंटीमीटर से मीटर के अंदर चला जाएगा। दो चार्ज उन्होंने कहा कि ट्राइंगल के दो साइड पे ए और बी बैठा हुआ, जिसकी वैल्यू बताई हुई है प्लस 10 माइक्रो कूलम और प्लस 8 माइक्रो कूलम। माइक्रो का जो इसमें सिंबल बना हुआ है म्यू टाइप का, इसकी वैल्यू होती है एक्सपोनेंट माइनस 6। अब दूसरे कॉर्नर पे आके जो सी बैठा है जिसका मैग्नीट्यूड है 15 माइक्रो कूलम, अब वो क्या महसूस करेगा कि ए उसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो भी उसको फील होगी, बी जो उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है वो भी उसको फील होगी, बी सी के ऊपर जो फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन बिल्कुल सीधे हाथ की तरफ होगी, तो वो फोर्स ऑफ डायरेक्शन हमने स्ट्रेट बता दी। ए जो सी पे फोर्स लगाएगा वो भी हमने बाहर निकल के बना दी। लेकिन अब हमने ये देखा कि ए सी के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो दो एक्सिस के बीच में शो हो रही है, तो हम जानते हैं कि हम फोर्सेस को रिजॉल्व कर सकते हैं। हमने इमेजिनरी या आर्बिट्री एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस बनाया, इसके बीच का हमने एंगल मेजरमेंट करा जो कि हमें 60 डिग्री पता चला। अब हम जो फोर्स निकालेंगे जो ए सी के ऊपर निकाल रहा है तो उसके दो कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, एक F1x एक F1y। तो सबसे पहले हमने F1 निकाला जिसमें हमने k की वैल्यू पुट करी, Q1 की वैल्यू पुट करी, Q2 की वैल्यू पुट करी, उनके बीच का डिस्टेंस पुट करा, हमारा एक आंसर आ गया। फिर हमें पता है कि रिजॉल्व के अंदर हमें फॉर्मूला पढ़ते हैं कि F1x बराबर होता है F1 cos थीटा 1 के। F1 में हमने पीछे वाली वैल्यू पुट करी, थीटा के अंदर हमने एंगल पुट करा और हमारा आंसर आया। ऐसे ही हमने F1y रखा, F1 sin थीटा 1 रखा, F1 की वैल्यू वही रखी हमने 135 sin रखा, एंगल की जगह हमने 60 रखा, सॉल्यूशन करा, हमारा आंसर आ गया।
अब हमने क्या करा कि बी सी के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर भी हमने पावर लगाया, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू थ्री अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू पुट करी, क्यू वन की वैल्यू पुट करी, क्यू थ्री की वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया। अब हमने ये देखा कि हमारे पास एफ वन और एफ वन कॉस थीटा ये सेम डायरेक्शन के अंदर है। पहले हमने इनको समाप्त करा, उसके बाद हमने मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगा दिया जो कि हम जब यूज़ करते हैं जब हमारे पास दो एक्सिस आ रहे हैं, तो हमारे पास पता चल जाएगा कि थर्ड कॉर्नर पे आने वाला क्या महसूस कर रहा है। थर्ड हमारी सॉल्व एग्जांपल जो है वो फिर भी बहुत ज़्यादा आसान है कि आपको कहा गया है कि आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस बता दिया गया है 5.3 × 11। आपको कंपेयर करना है इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस को। जब भी इस तरीके का सवाल दिया जाए आप उन्हीं फोर्सेस को कंपेयर कर लें जिनका नाम दिया गया है। आपने ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला लिखा एफ इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, नीचे आपने ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिखा जो आप ऑलरेडी क्वेश्चन में बहुत पढ़ते रहे हैं एफ इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। हम इन फॉर्मूलों को इसलिए कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉज कहलाते हैं। उसके बाद क्या होगा कि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट हो जाएगा और इसके अलावा जिस जिस वैल्यूज़ आपको बताई गई है आप फॉर्मूले में उन वैल्यूज़ को पुट करते रहें, पाई की जगह 3.142, एप्सिलॉन की जगह 8.85 एक्सपोनेंशियल, चार्ज की जगह 1.6 × 19, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप पुट करेंगे 9.1 × 31, मास ऑफ प्रोटॉन पुट होगा 1.67 × 21। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिकल फोर्स कितने टाइम्स ग्रेटर देन है ग्रेविटेशनल फोर्स से। कॉन्स्टेंट्स वैल्यू को लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं पेश आनी चाहिए क्योंकि जब हमारे पास पेपर आता है तो हमें हर कॉन्स्टेंट फैक्टर की वैल्यू लिखी हुई आती है, जैसे के की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की क्या होती है, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसी तरीके से ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट क्या होता है। जब आप एक दो बार देख के इन सवालों की प्रैक्टिस कर लें और आप ये समझते हैं कि आपकी समझ में ये सवाल आ गए हैं तो पीछे आपका एक सेल्फ टास्क ये होना चाहिए कि आप ये देखें कि बुक के एंड में इससे रिलेटेड या इससे मिलते जुलते कौन कौन से सवाल दिए गए हैं। अगर आपकी समझ में वाकई ये सॉल्व एग्जांपल आ रही हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो इस चैप्टर के एंड में दिया गया है वो सॉल्व कर सकते हैं।